Let's start with the fifth one. It says two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? Let's say कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर भी 5x, सेकेंड नंबर भी 3x, और उन दोनों का डिफर मतलब कि दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा हमारा 18, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास 5x और 3x और उनका डिफरेंस कितना होगा 18 के इक्वल, तो 5x माइनस 3x इज नथिंग बट 2x, किसके इक्वल हो गया 18 के, और x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई आपकी 18/2, और 18/2 क्या है आपका आंसर 9, और हमें नंबर्स निकालने थे ना, एक्स तो निकाल लिया हमने लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो नंबर्स हमने क्या लिए 5x और 3x, सो फर्स्ट नंबर हमारा 5x है अगर, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 9, x की जगह 9 रखो तो 5 × 9 कितना हो गया 45, सेकेंड नंबर क्या होगा आपका 3x, 3 × 9, 3 × 9 का मतलब क्या हो गया 27, तो पहला नंबर 45, दूसरा नंबर 27, और इन दोनों का डिफरेंस इज 80, सो दैट्स योर आंसर फॉर द फिफ्थ वन. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन.